रांची महानगर कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग द्वारा कांकेर रोड में पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के विरोध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। रांची महानगर कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन अख्तर अली के नेतृत्व में कांकेर रोड में जुलूस निकाल कर केंद्र सरकार के विरोध में नारेबाजी की गयी। पेट्रोल डीजल गैस की बढ़ते दाम वापस लेने की मांग की गयी। मीडिया से बात करते हुए अख्तर अली ने कहा कि कोविड के समय विश्व स्तर पर क्रूड ऑयल 25 रुपए प्रति बैरल तक आ गई। उस वक्त नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी में जूझ रही जनता को फायदा नहीं दिया। केंद्र सरकार को एक्साइज ड्यूटी जो बढ़ाया था वो कोविड के वक्त उसे वापस लेना चाहिए ताकि आम जनता को राहत मिल सके। आम जनता को तुरंत 13 से 14 रुपए का पेट्रोल डीजल में राहत मिलेगी। मोदी सरकार नजरअंदाज कर महंगाई से त्रस्त जनता को और परेशान कर रही है। केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल राहत नहीं दे, केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन चलता रहेगा। काफी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। पेट्रोल और डीजल गैस और खाद्य पदार्थों की जो बेतहाशा वृद्धि हो रही है उसको लेकर के पूरा देश में कल और आज पुतला दहन, केंद्र सरकार और मोदी का पुतला दहन किया गया। इसी का एक कार्यक्रम यहां पर हम लोग कांकेर रोड में किए। आप देख रहे होंगे कि कोरोना काल में एक्साइज ड्यूटी मोदी सरकार ने 13 से 14 रुपया जो बढ़ाया था, पेट्रोल जब पानी का दाम से भी कम हो गया था। आज हम लोग आपके माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि उस वक्त जो आपने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाया था उसको वापस लेकर के राहत दीजिए। अगर वो एक्साइज ड्यूटी आज अगर घटा देता है तो 13 से 14 रुपया पेट्रोल और डीजल में दाम कम हो जाएंगे। उसी तरह गैस में जो गरीबों को जो सब्सिडी मिलता था वो पूरा तरीके से ख़त्म कर दिया गया है। मात्र 37 रुपया, आप चाहे कितनों भी दाम हो जाए गैस का, लेकिन किसी किसी को 37 रुपया 55 पैसा सिर्फ सब्सिडी दिया जा रहा है। जो उज्ज्वला योजना इन्होंने चलाया था, लोग अब फिर से गैसों को छोड़ करके, वो बहने जो धुआं का ये कहानी बताते थे कि धुआं से लोगों का सेहत ख़राब हो रहा है, फिर वो धुआं के तरफ में वो लोग वापस हो गए। क्योंकि इतना हाल है, सत्ता से बाहर है, सत्ता से बाहर होने का टीस इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसलिए हंगामा कर रहे हैं। इनके पास में कोई मुद्दा नहीं है और ना ही कोई और ऐसी बात है कि सरकार को घेर सके। अख्तर अली, रांची महानगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष।